जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो ये मनुष्य मंदिर है, भगवान ने आपको अमूलक चीज दे दी है और सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, इस मनुष्य को अनमोल चीज देकर के पूरी आजादी और पूरा अधिकार दे दिया। किसी तरह की भी उसने जरा भी किंचित मात्र भी रोक टोक नहीं रखी है। आप आंख से, कान से, मन से, बुद्धि से, हाथ से, पैर से, जैसा चाहो वैसा कर्म करो, अच्छा बुरा उसकी तरफ से जरा भी रोक टोक निशान को भी नहीं। देश की जितनी भी वस्तुएं हैं अपनी, देश में जितने भी मानव हैं सब अपने। देश एक मुसाफिर खाना है, एक सराय है जिसमें हम लोग सबके सब उस सराय में, बड़ी सराय है, बड़ा धर्मशाला है जिसमें आ रहे और जा रहे, और हम सब लोगों का मिलन थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं है। मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, रिश्तेदार हैं, कौम है, कौमियत है, ये थोड़े दिन का यहाँ मिलन, इसका भी पूरा पूरा बोध करा देना है कि मुसाफिर खाना ये परदेश है, इसमें इस प्रकार का मिलन है। तो आप लोग जितनी देर तक मिलो जुलो सद्भाव से, सब प्रेम एक दूसरे के, इस मुसाफिर खाने में जो धर्मशाला उसमें काम आओ, आप उसके काम आओ, वो आपके काम, इससे परस्पर ये मानो भौतिक बुद्धि प्रेम विवेक का बढ़ेगा। जब प्रेम आपस में विवेक का बढ़ने लगेगा तो भौतिक बुराइयां अपने आप छीण होने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी, उनकी तरफ से बुराई उनसे लगाओ कम होने लगेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख ईसाई, छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई हो, लगाओ कम होगा। जब हमें आपस में प्रेम बढ़ेगा भौतिक सांसारिक बुद्धि विवेक का, तो फिर हमको ये सुनने को मिलेगा कि हम तो विशेष काम के लिए यहां भेजे गए, मालिक ने हमको अनमोल अपनी कारीगरियों से हमको ये तन, ये शरीर, ये जिस्म दिया है, तो हमारा काम तो और है इन्हीं के कामों के साथ में। तो आपने फिर आत्मिक जागृति आप में होगी और फिर वो आत्मिक प्यास लगेगी। जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आदमी उसके लिए कि हमको प्यास लगी है और ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो दौड़ेगा कहीं पानी मिल जाए। तो महात्माओं के पास में ये जल है, भोजन भी है और जल भी, वहां इनको आध्यात्मिक पीने को मिलेगा। उनके पास इसका मुहाना है, स्रोत है, झरना है जो निकल रहा, उस घाट पर अमृत की धारा निकल रही, पीने वाले पी सकते हैं, लेकिन आपको प्यास लगे तब
मुंह बंद किए रहोगे जबरदस्ती कोई मुंह में खोल करके अगर डालना चाहे पानी तो आप बंद कर लो तो कैसे डाले, तो उसे प्यास के कारण मुंह खुल जाएगा। तो महापुरुष फिर शीतल, जैसे पतिया होता है उसको जब प्यास लगती है तो इस पानी से उसकी प्यास नहीं जाएगी, वो घड़ों का घड़ों पी ले, लेकिन वो लेट जाता है पूर्णमासी के दिन और मुंह खोल लेता है कि मालिक मुझे बहुत प्यास लगी है, इस पानी से मेरी प्यास नहीं जाएगी। तो मालिक उसके प्रण को, उसकी तड़प को, उसकी प्यास को तो स्वाद की एक बूंद गिरा देता है, उसके मुंह में गिर जाती है, उससे वो जीवित रहता है। इसी तरह से महापुरुषों के पास जल है, भोजन है, वो आध्यात्मिक। लेकिन आप जब बाहर से अपना संबंध है, बाहर से अपने विचार और काम भौतिक विवेक प्रेम का नहीं बनाओगे, तब तक ये सब आपके लिए शत्रु हैं, ये चोट मारते हैं। जैसे हथौड़ी की चोट मारी जाती है, ऐसे ही शब्दों की चोट तीखी 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 मारते हैं। तो उससे मतलब यह है कि शरीर जो है व्याकुल हो जाता है, बेध जाता है और किसी के शब्द बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन जब प्रेम हो जाएगा तो सब वही कड़ुए शब्द जो मारेंगे जैसे फूल लग रहे, आपके दिल दिमाग पर उसका कोई असर नहीं किसी तरह का। तो असल में चीज यह है कि ये जो प्रस्ताव पास हुए ये काम के लिए, दया आपके साथ शामिल है। वो जब आप चलोगे तो निमित्त मान दिन बन जाओगे, दया काम करेगी, काम आपका कम और मेहनत कम और काम ज्यादा दिखाई देगा, ऐसा मालूम होगा कि पहले ही से कोई काम कर गया। लेकिन तुम निमित्त मात तो बनो, तुम निमित्त मात बन के जब तो प्राप्त करो, और तुम निमित्त मात नहीं बनोगे तो ये बोध और अनुभव कैसे होगा कि आगे कोई काम कर गया। आपने काफले में देखा और लोगों ने सबने कानों से सुना, बुद्धि से सोचा कि लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं अरे भाई आपका काफला आप आज आ रहा कि कल निकल गया, कह लगे भाई वो तो अभी पीछे आ रहा, अभी तो नहीं निकला। कह लगे जो लाखों आदमी कल से निकल रहे झंडी लेकर के और जय गुरुदेव बोलते हुए वो कौन लोग थे, हमने भाई वो तो काफला पीछे आ रहा, सब लोगों ने सुना काफला पीछे आ रहा। जब आपको ये अनुभव हो गया कि देख के भूत भी प्रेत भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं समझते हो कि दया हमारे साथ शामिल हो जाए, हम निमित्त मात बन जाए, काम करने वाले आगे काम कर देंगे, तुम समझोगे कि ये काम तो पहले ही से तैयार है। तो उसमें आपको ये राज नहीं मालूम। तो अभी जो तकलीफ आ रही है ये 92 का वर्ष है, इसमें विश्व और भारत के लिए इसमें राजनीतिक तरह तरह के उथल पुथल, ये नहीं कि सारे मुल्क सारे विश्व और भारत में और सामाजिक जातियों का उथल पुथल, साथ ही साथ में धार्मिक, ये सब उथल पुथल होगा और सारे विश्व में आर्थिक, ये मत समझो कि ये आर्थिक रुपए पैसे का उथल पुथल भारत में नहीं, सारे विश्व में, चाहे अमेरिका हो चाहे रसा हो। आपको तो जरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो इतना कट्टर कम्युनिस्ट बात, जिसके लिए मैं कहता रहा कि भाई चीन भी खत्म हो जाएगा, पहले से चिल्ला रहा, तो ये मजाक समझते थे, ये समझते थे बाबा जी ऐसे ही अंधेरे में कह रहे हैं, ये रसा खत्म हो जाएगा, ये चीन खत्म हो जाएगा, चीन बात खत्म हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगा, और वो लोग मस्जिद में और मंदिर में जाने लगेंगे, और वो लोग अपनी देवी देवता की पूजा करेंगे। तो ये लोग उस समय पर मैं बोलता था तो मजाक समझते। आप इसकी प्रेरणा लो, जो अभी 6 महीने के अंदर में रसा में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि कल कुछ आज कुछ
और फिर उसके बाद कुछ और उसके बाद कुछ और बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या आप अपने यहां नहीं समझ सकते? उसको समझना चाहिए। दूसरे देश की मिसाल अपने यहां भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुमसुम बैठे रहे आंख बंद करके और बुद्धि को कुम्भक बना ले कुएं जैसा और बस उसी में बस उतना ही, उससे आगे कुछ नहीं। तो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन और इसमें बनेगा कारण, ये मेरी बात को अभी याद नोट कर लो कि चार प्रकार के तो मुद्दे हैं, राजनीतिक उथल पुथल के, सामाजिक जातियों के उथल पुथल के, धार्मिक उथल पुथल और रुपए पैसे का अर्थ का उथल पुथल। लेकिन इसमें शाखाएं अलग हैं, तो इसमें बनेगा कारण। ये 92 का साल चैत तक लगा रहेगा, अंग्रेजी महीने से तो खत्म हो जाएगा आपका, दिसंबर में जनवरी में खत्म हो जाएगा 1 जनवरी को। लेकिन ये 92 का वर्ष जो है वो चैत तक रहेगा। इसमें बनेंगे कारण, जब कारण बन जाएगा तो बच्चों कार्य। मैं इनको कोई कष्ट नहीं सकता, मेरी निगाह में तो ये कुछ तकलीफ तो आगे आने वाली। आप सब लोगों को तो ये प्रक्रिया पता नहीं कि कुदरत की भगवान की क्या लीला। हम तो ईश्वरवादी है, विश्वास मनुष्य मनुष्य बनो और अपने को दीनता स्थान पर बैठो, दीन होकर के। तो जब दीन बनोगे तो सब लोग आपको उठा लेंगे, गोद में उठा लेंगे, सत्कार करेंगे, सेवा करेंगे। बच्चा नन्ना मुन्ना होता है तो उसको किसी भी जात का हो, उससे चाहे किसी जानवर का हो, छोटा बच्चा भी सब उससे प्यार करो, क्योंकि उसमें कोई राग द्वेष तो है नहीं है, तो सब लोग उसको प्यार करते हैं, उसको खिलाते भी है। तो जब तुम छोटे बन जाओगे बच्चे की तरह से, तो सब तुमको प्यार करेंगे, तुमको खिलाएंगे। तो तुमको छोटा बनना चाहिए था, छोटे बन जाए तो फिर मतलब यह है कि बड़े छोटे और बड़े बने तो बड़े से क्या होता, बड़े से होता क्या? एक चिड़ी मार चिड़िया पकड़ने वाला, वो चिड़िया पकड़ के बाजार में ले जा करके बेचता था। छोटी छोटी चिड़ियाएं पकड़ता था, बड़ी कोई नहीं पकड़ता था। बस एक पिंजरे में बड़े में ले गया और दो आने की चार आने की, दो आने की चार आने की, वो सब लोग आए और चिड़िया खरीद करके ले गए। तो एक बहुत चिड़ी मार, उसने कहा अरे भाई तुम क्या देखते हो? कह लगे भाई मैं देख रहा हूं मुझे कोई मजदूरी मिल रही है, तुम देखते नहीं हो, ये चिड़िया ले आता है और बस आकर के यहाँ फटाफट 2-3 घंटे में बेच के चला जाता है, तुम भी चिड़िया पकड़ के ले आओ। तो बेचारा उसके कहने से गया, जंगल में इधर उधर देखता रहा तो उसको देख करके चिड़िया उड़ गई, उस पेड़ से और दूर चली गई। तो एक तालाब में एक केकड़ा था, ऐसे बैठा हुआ था इस तरह से। तो उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा भी है और मतलब यह है कि इसका दाम बहुत लगेगा, वो जितना चिड़िया सब बेची जाती है जिनका दाम उतने ज्यादा, इसी का दाम लग जाएगा। तो किसी तरह से उस केकड़ को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और बाजार में ले गया, उसको बैठा दिया। अब वो केकड़ा ऐसे करके बाजार में बैठा हुआ और छोटी छोटी चिड़िया सब लोगों ने दो आने चार आने की खरीद के चले गए और बेचने वाले भी चले गए। वो शाम तक अंधेरे तक ऐसा बैठा रहा। तो कह ले भाई तुम कौन हो? कह लगे अरे भाई मैं तो आया था कि ये बड़ा है, एक ही पैसा दे देगा तुम्हें, तो ले आया पकड़ के, इसका तो एक भी नया पैसा नहीं लगा, इसके बड़े बनने से क्या हुआ? छोटी छोटी चिड़िया यानी बिक गई और ये इतना बड़ा है और ऐसा मूर्ख और बेवकूफ, इसका कोई भी दाम नहीं लगा। तो जब बड़े बन जाओगे तो आपका कोई मूल नहीं है, छोटे बन। परमार्थ में, मानवता में, मनुष्यता में तो छोटा बनना ही चाहिए। और छोटे बनते हैं तो क्षमा करना, अंग्रेजों के राज में जब लोग सेठ साहूकार मंडियों से जब अनाज खरीदते थे, जैसे चना है, तो मुझे एक मुनि मिले बनी कि आप कहाँ रहते हैं? कह लगे मैं तो बनारस रहता हूँ, मैं यहाँ अनाज खरीद रहा। क्या खरीद रहे?
चले मैं चना खरीदता हूँ, मद्रास में भेज रहा हूँ। तो मैंने उनको दो तीन दिन ये मेहनत करते देखा, कभी 1000 बोरा, कभी 2000 बोरा, कभी 4000 बोरा रोज मतलब है खरीदे, और रोज मतलब ये कि वो ट्रेन से भेजे। तो मैंने एकदम उनसे पूछा, मैंने कि मुनीम जी ये बताओ कि इसमें मुनाफा कितना होता होगा। कह लगे साफ खर्चा काट के, अपना खर्चा, यहाँ का खर्चा, पल्लेदारी का खर्चा, और इसका खर्चा, और उसका खर्चा, और ले जाने का खर्चा, और वहां का उठाने का खर्चा, वो जितना भी खर्चा है सब काट कूट करके एक बोरे पर 4 आने बचते, 4 आने बचते बस। सब खर्चा काटने के बाद एक बोरे पर, एक कुंटल पर 4 आने बचते, और 4 आने बचने पर भी वो करोड़पति है। तो उस समय पर कितनी मेहनत कि अच्छा से अच्छा सामान, और मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत हुई तो फौरन मद्रास, फौरन गुजरात, फौरन यहां, फौरन आसाम, और भेज दिया, और 2 आने बोरा बच गया, 4 पैसे बोरा बच गया। लेकिन वहां जनता को भूखों नहीं मरने देते थे ये लोग। आज यह है कि यहाँ पड़ोस में भी अगर चिल्ला रही हो जनता कि हम भूखों मर रहे, अनाज नहीं है, तो यहीं बगल में नहीं जा सकता इसी जगह। तो एक सेठ साहूकारों का प्रबंध और एक इनका प्रबंध, जमीन आसमान का अंतर। ये चिल्लाते रह जाए रेडियो अखबार पर और मौके पर वहां कुछ भी न जाए, और ये कहते कि वो तो पहुंच गया, तो जनता को चकमा दिया, धोखा दिया, पहुंचा ऊंचा कुछ नहीं। तो पहले सेठ साहूकार इस तरह की सेवा करते थे, और कोई आया सेठ साहूकार, सेठ जी आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े दयालु हैं, यहाँ ये सब गायें जो चरती हैं जंगल में, यहाँ कहीं भी पानी पास में नहीं है, तो हमारी प्रार्थना है कि एक बावली बनवा दीजिए। हम कहा अच्छा ठीक, चलो मुनीम जी एक बावली खुदवा दो, वहाँ जानवर प्यासों मरते, कहीं कुआ है जरूरत पड़ गई आदमी जा कुआ बनवा दो। कह लगे बहुत आदमी आते जाते हैं सेठ जी, एक धर्मशाला बनवा दे। कहा अच्छा, तो वो अपने उस मेहनत से के उस कमाई में से पुण्य भी करते रहते थे। आज अगर कोई बना दे तो पैसे कहां से ले आए, तो वो भी एक काम नहीं कर सकता। तो धर्म में भी चोरी और धर्म में भी झूठ, और धर्मशाला बनवाने में, बावली बनवाने में भी धोखा और बेईमानी। तो ये बताइए कि अच्छे आदमी किधर रह गए। एक युग जमाना ये था, अच्छी कमाई थी, सब लोग शुद्ध पवित्र रहते थे भगवान पर। अब तो सब गड़बड़ हो गया, अब तो उसकी दिशा ही दूसरी है, और वो आपको पकड़नी पड़ेगी थोड़े दिन के बाद। वो तो आप सब आपके सामने आ जाएगा, उसमें मतलब वो तो आपको पकड़ना ही है, बगैर पकड़े हुए काम होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए उनको भी इज्जत मिलता था, कीर्ति होती थी, और वो भी समझते थे कि मेरी मेहनत में से कुछ लोगों की सेवा हो जाए, जनहितों की, तो अच्छा है। आजकल कुछ नहीं, आजकल तो सीधा दिल्ली और भोपाल ले आइए पूरी कमाई में से, तो रख लेंगे वो, और कहेंगे जो भी कमाओ ले आओ यहाँ गए। तो बेचारा क्या करेगा इसी काम के लिए, सच्चा समझता है कि ये कारखाने दुकानें सब बंद कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये दोषी जनता कहती है, ये दोषी बता कहते वो दोषी, तो ये सब बातें जो है अनर्गल अनविचार, विवेक में कोई चीज जानकारी में नहीं, जो जैसे आया वो पकड़ा आपने, उसकी दिशा वगैरह कुछ नहीं, बस चिल्ला रहे सबके साथ। तो असल में पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। अब धीरे धीरे आपको इस तरफ लाया हूं, और इसमें ये चीज वहां तक पहुंच जाएगी जंगलों तक। अब ये जंगलों के लोग भी चल पड़े और अपने आप को बदलने लगे, कितने कितने डकैत और चोर जो सरनाम थे, उन्होंने सब अपने अट्टे कट्टे बंदूक राइफलें बाहर की ये वो सब उठा करके जमीन में गाड़ दी, और अच्छे सज्जन बन के भगवान का भजन कर दिया। तो कहने लगे मुझे महाराज अब कुछ नहीं करना, मैंने जो कुछ भी दुनिया में किया था सब कर लिया, अब तो मुझे अपने किए हुए की क्षमा याचना करनी है, पश्चाताप, अब मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जब मेरी समझ में नहीं था, मेरी समझ में, अब मुझको मतलब ये कुछ अंगूर कुछ बुद्धि विवेक में आया, ये मनुष्य शरीर जो कुछ रह गया उससे कुछ काम कर लिया।
तो कितने चोर कितने डकैत बदल गए। ऐसा मत तुम्हारे बीच में से उठा ले और तुमको लेके चले जाए और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग यहां बैठे हुए यहां पर और अब साधु हो गए, कुछ नहीं अब उनको तमाचा भी मार दो कुछ नहीं, नहीं तो उनको जरा कड़ी बात कर दीजिए तो बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग बदल गए और अब साधु सज्जन दयामान के दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते, पहले क्या थे और क्या। तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है, ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन हुआ। तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश आध्यात्मिक है, ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडज पिंजर उखमज और अस्थावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडज, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं, जो पिंड से पैदा हो जेर से वो सब पिंडज कहते हैं। उखमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उखमज खान कहते हैं। और अस्थावर कहते हैं वृक्ष आदि जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी वृक्ष आदि योनि में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहां खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है, जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आभास नहीं उस तकलीफ का। नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी है कि जीवात्मा को जहां जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है चार खाने 84, अब नस्लें हैं 84 लक्ष नस्लें हैं पिंडज खान में, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं, ये सब छोटे बड़े जानवर। तो ये अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपज जीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष ये चार खाने, तो इसमें जीवात्मा बिचारी बंद, अपने कर्मानुसार सजा दे दी गई, भोग रही। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो मत, पशु हो पंछी हो कोई भी हो, आपको काटने का जिसको हो जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है, तो वो तो बनाएगा और बिगाड़ेगा, आपको अधिकार नहीं है। क्यों कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें भेज देगा सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं, लाखों लाखों मीलों की लगियां होती हैं यानी बांस जैसी लगियां, तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते हैं और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, एक दो नहीं कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हैं, चिल्लाते हैं, वहां कोई नहीं जाता, कोई है ही नहीं, कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतरे जिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढना किया, अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से मुसीबत से इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता, तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा तू। और एक नर्क नहीं अनेक नर्क, जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग,
ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नर। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बना रखे और वहां उनको डाल दिया। रोते चीखते चिल्लाते कौन से, तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात हो, आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो वो तो अंदर से पकड़ के ले जाती, बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता, अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकाले और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत यानी अधोगत, ये जीव को बेचारे को मानव शरीर पाकर के फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमूलक, तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा तहां बासा, जल की आशा वाले जल में बासा, भाई आशा के मुताबिक तो बासा होगा, तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहां आशा बांधेगा इस जड़ में वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा एक फुट का 6 इंच का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है, अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब है बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहां से मिलता? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दाद मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने वो विश्वास क्यों करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा, अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो तो ये कुकर्म जो हो रहा तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहां आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है और अंधकार में अगर तो यहां जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस, और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है, ये यहां से निकल जाए। फिर ये जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब सफल हो जाएगी, और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था असली चीज ये है कि ऊपर जाने तो आपको तो ये सब कुछ नहीं। मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, 10 इंद्रियां है, इनकी अलग अलग डोर है, आंख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबके अलग अलग इंद्री डाल देते हैं। आप क्या जाते बड़े बड़े जगह में तप करने वाले और डोगा भाव है, इसको महापुरुषों से माया भी डरती है, काल भी डरते हैं, और मतलब देवी देवता भी, और महापुरुष न मिले तो मतलब तो आपको ये चक्कर न जाते। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है तो भंडार है, इसको उसमें पहुंचाना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, तभी काम बन सकेगा। नहीं जीव का कौन काम करने वाला है, साफ साफ धोखा दी। तो ये सब अंदर में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा से, तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द फैल गया, पृथ्वी पर फल नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, तड़प तड़प के बच्चे को मारोगे, बच्ची को मारोगे, प्राणों को भी रक्षा के लिए उसको मार दोगे, वो चली जाएगी कहीं बाहर, तब तक बच्चा घर में है, अनाज है नहीं, तो बच्चे को मार के खा गए, पता ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो औरत को मार दिया,
औरत ने रात को आदमी को काट दिया, समझ गए, प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि घास है नहीं, ये लोग बरपत्ती फल है नहीं है, तो जब ये नहीं रहेंगे जंगल में घास नहीं, तो जानवर तड़प तड़प करके चारों तरफ दौड़ेंगे और गिर जाएंगे, जो जिसको पाएगा वो एक दूसरे को खाएगा, वो तो बहुत ही, यानी मतलब ये है कि ऐसा मतलब भयावह दृश्य है, जब क्यामत आती है महाप्रलय तो बहुत पानी नहीं मिलेगा, आप जंगलों में आग लग जाएगी, घास का नाम नहीं थी, ये जानवर मरने लगेंगे वहां, जल जल के कितने जीव जल जाएंगे, दर्दना कोई वर्णन नहीं करता, और फिर पानी को मतलब अग्नि सोखती है, ये जल के जितने भी जीव है ये सब एकदम बाहर तड़प तड़प करके, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, तड़प तड़प करके जब तक है तुझे दूसरे को तड़प तड़प करके किसी अग्नि को वायु सूख लेती और वायु को न यहां मंदिर न मस्जिद न ये पृथ्वी न वायु न कोई गीता न रामायण न उसी आकाश जब इतने वायु को खींच लिया तो आकाश में सब और आकाश और सबको माया सबको तो स्वर्ग और वैकुंठ जितने भी 14 भवन 14 लोक और 14 तम के सब ये सब ब्रह्मा महादेव जितने भी देवी देवता ये 9 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़ ये सब के सब पूरे के पूरे सिमट जाते हैं महाराज और उसे आद्या शक्ति को निर्जन भगवान ने सुन और निर्जन भगवान को और इसको सब ऊपर माया बैठी वो सबको समेटती है जितने भी वहां के लोग सूचम है वो सबको समेट फिर इनको सबको समेटते ब्रह्म ये सब समझते थे जितने आने को लोग उनके बाद सरकार सबको समझते थे कुछ नहीं जितने जो जहां निरंजन भगवान ने उसी की आवाज पर तो ये सब रचना टिकी हुई है तो धीरे से बंद कर दिया क्षणों में कुछ नहीं जब सूरत को जब खींचता है तो जरा सा खींचा वो शरीर निजी हो उसी सूरत के ही उस शक्ति और उसके ही प्रकाश से टिका हुआ और जरा सा खींच के अलग किया बस ऐसे ही वो बंद करता जब आवाज को तो यहां किस पर टिकेंगे कोई चीज टिकने वाली है ही नहीं हर पलक के मारते ऐसे ऊपर का वो फिर मतलब है कि माया वो प्रकृति बंद करेगी आद्या महाशक्ति निरंजन बंद कर लेंगे माया बंद करेगी फिर वो ब्रह्म बंद करेंगे आवाज ऐसे बंद कर लेते वह खेल ये सारी रचना शब्द नाम आवाज और बाजू पूरा का पूरा ये सब उसी पर और उसी आवाज पर हम उतरे और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया तो आवाज तो छन के आ रही है अगर बिल्कुल ही आवाज बंद हो जाए तो एक सेकेंड एक क्षण में एक शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं रह सकती है तो आवाज का ठंडक का सहारा और जब आंख कान खुल जाते हैं तो प्रकट हो जाती है उसी को कहते हैं नाम जीव जब जागे जोगी उसे नाम को जगाकर जब जीवात्माएं उससे संबंध कर लेती है जुड़ जाती है पकड़ लेती है योग पथ प्राप्त निकल जाती तो आपको तो ये बात कुछ इसलिए आप लोग हमारी सनातन अनाथ काल की ये आत्मिक विद्या दौलत संपत्ति है और भारत में हमेशा निर्माण इसके पूरे जाने वाले महापुरुष पूरे हमेशा एक जाएगा दूसरा तैयार दूसरा जाएगा वो बहुत फिर तैयार तीसरा जगह इसीलिए बराबर ये कहा गया है कि महापुरुषों की खोज करो आगे आने वाली पीढ़ी को भी खोजना उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना इससे ये पता चलता है कि वो यहां आगे इस मनुष्य तन में लेकिन उनको कोई जान पहचान नहीं पाता समझ नहीं पाता फर्क नहीं पाता और वो किसी के ऊपर दया कर रहे हो तो दया तो हो रही है कि चलो जल्दी से अपने
ये परदेश है, यहाँ घर स्वर्ग भी अपना घर नहीं है। ब्रह्मांड ने, मीराबाई ने, रैदास जी ने, कबीरदास ने, तमाम महात्मा आए, सुखाराम आए, करण आदि आए, तमाम महात्माओं ने कलयुग में इन जीवात्माओं को मनुष्य रूपी इस मंदिर से जगा करके और पहुंचाया वहां, और आते और जाते रहे। जब पूरा समय उनका यहां का समाप्त हुआ और कितने पहुंच गए। इसी तरह से जीवात्मा, तो ये छोटा मोटा जिम्मेदारी का काम नहीं, ये सबसे बड़ी लोग में जिम्मेदारी, बड़ा सुलभ है बड़ा सी। तो साथ साथ ये भी विद्यालय और ये भी काम अपने से। मैंने तो कभी ये कहा नहीं है यार खेती छोड़ो, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो और कपड़े छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। मैंने तो आपको हमेशा ये बताया कि ये सब काम करके और बाल बच्चों की सेवा घर में। रास्ता मैं सीधा बताता हूँ, मदद कर दूंगा आपकी, तो जल्दी से सहारा मिल जाएगा। तो सीधा चलो अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का बोलो, घर में गृहस्थी में, अरे 23 घंटे और काम करो, एक घंटे थोड़ा सा इसमें समय दे दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो दिन भर 5-5 मिनट जोड़ लेना, एक घंटा कर दे, 23 घंटे अपने काम करो। तो ये सुना, लेकिन घर बार छोड़ के जो साधु बन गए, चाहे आप उज्जैन में जाओ, काशी में जाओ, अयोध्या मथुरा जाओ, भगवान का भजन नहीं करना, से भी दूर चले गए भगवान, एक भूसा से भगवान नहीं मिलता, दाढ़ी बाग पढ़ने लिखने से मिलता, मिलता नहीं वो तो। जब जीवात्मा जगेगी तभी काम, फिर तो उससे बहुत दूर हो गए, उन पर तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भूत सवार हो गए और चट्टी लिए हुए उनको हट नहीं सकते, उनके पास हटाने का कोई उपाय नहीं है। तो मतलब है कि चट्टी लिए हुए बुद्धि भ्रष्ट किए हुए, जब क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगा और झगड़ा हो जाता है तो धर्म नष्ट हो, धर्म नष्ट हो जाता मानव धर्म चला जाता, और क्रोध आएगा तो बुद्धि नष्ट होगी। वहां आप जब ये काम करोगे तो फिर ये तो हो ही जाएगा, तो महात्मा बन के लिए आपने झगड़ा किया और क्रोध आपको आ गया तो बुद्धि नष्ट होगी। आपकी समझ में अध्यात्म आप क्या है, और कितनों की जाने चली जाए, धर्म के नाम पर क्रोध आए बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कितनों की जाने ले लो, तो दया कहां रह गई। इसलिए दया तो कल्याण ये तो आपको रखने को, और जब दया जीवों के प्रति नहीं होगी तो क्या दिया। सब जीवों को मुझको मान, इन जीवों में होकर के मुझको मान ले, मुझको देख ले कि ये मैं ही यहां पर हूं, मैं इनसे अलग हो गया हूं, मैंने इनको अधिकार दिया है, ये खेल है और तू इन पर दया, तू दया करोगे तो पहचान बात। कोई भी आदमी ये समझना नहीं कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा, सब अपने आप को नए सोचो कि मैं बिल्कुल नया हूं, पुराने से पुराने जो 20 साल के 30 साल के अपने आप को नए, जब तक ही आपको आदेश न मिल जाए कि आप किसी का काम करो तब तक ये काम करना नहीं, नहीं ये सब हो जाए तुम्हारे ऊपर आएगा और बड़े से बड़े नर्क में सजा मिलेगी, ये काम करना नहीं, क्योंकि तुम इस बोझे को उठा नहीं सकते हो जो जीवों का बोझा, ये कुकर्म का बोझा उठा नहीं सकते हो, और तुम अपने मन मस्ती में अगर कुछ काम करने लगे तो ये बोझा तुम्हारा ये बहुत हो जाएगा और फिर झुक झुक नहीं उठे। तो अपने आप को नया, बिल्कुल मैं नया हूं, कुछ नहीं जानता हूं, तब आप अपनी चीज को बचा सकते हैं। जो चिंगारी है जो थोड़ी बहुत आपको मिलती है उसकी हिफाजत कर सकते हो जरा देर में, खरो उसका धन और खजाना हिफाजत से बिल्कुल बचा करके रखो, कोई हाव भाव से ये न जान सके कि आपके पास में एक पैसा भी है, तब ये बचेगा। और जरा सा भी आपने इसका कुछ आपने पैसा तो लुट गए, आपके पास कुछ रहेगा नहीं, इसलिए संभल के हिफाजत। जब आपको नहीं कहा कि वही सिद्ध है ज्ञान, तो आप क्यों उसमें फंसते हैं।
बहुत लोग तार कर करके प्रचार करेंगे, जो तो हम सबको सुनाते हैं, सबको बताते हैं, तो ऐसा काम मत करना, नहीं बड़ी संख्या में पीछे चिल्लाओगे। ये नकल का काम मत करना, नकली काम करोगे बहुत सजा मिल जाए। आप अपने बचने का काम करो, जिस काम के लिए वो काम करो अपना, ताकि आपका छुटकारा हो जाए और आप खुद अपना नहीं कर सके, दूसरों की तरफ जुड़ गए तो आपके पास क्या कुछ। तो बहुत से लोग ऐसे अज्ञानी, और मतलब यह है कि क्रोध में बुद्धि नष्ट करके ऐसी नकल करते हैं, तो नुकसान है। ऐसा काम कभी मत, और ये कभी मत समझो कि मैं नहीं रहूंगा, मैं तो जहां कोई नहीं है, चलो मैं अभी चलता हूं देहात में और मैं तुमको जमघट अभी दिखा देता हूं वहां चल करके, और तुम लोग छुप के देखना और देखो कितना बड़ा जमघट सुनने को आता, जहां कोई भी प्रसंग नहीं रहे। तो ऐसा क्यों समझते, जो तुमसे सेवा हो जाए, आंख की, कान की, हाथ की, पैर की, धन की सेवा करो, अन्न की सेवा करो, पानी की सेवा, रास्ते में खड़े हो जाओ कि भाई इधर में संदेश हो रहा तुम बता दो, इसका भी तुमको पुण्य मिल जाएगा, वो काम करो तुम अपना आध्यात्मिक पुण्य लेने का। ऐसा काम मत करो कि अपना भी नष्ट हो जाए और तुम भी बन चुके हो, लोग भी बन चुके हो। और महात्मा ऐसी चीज आपको देते हैं कि जिससे आप कल्याण हो जाए। ये तो बहुत सुलभ है, लेट के करो बैठ। तुम बच्चों को पैदा होने देते, वो तो मालिक अपना विधान रखे है, और मतलब ये वो अपना इंतजाम किए हुए, तुम उसके खेल को क्यों बिगाड़ने लगे। उसको पैदा करने का रास्ता तो आप उसको बंद कर, नहीं नहीं नहीं। तो 40 करोड़ की आबादी से अब इस समय आज 2 अरब की आबादी हो, तो आपने क्या कर लिया, क्या आपने कर लिया। बड़े नसबंदी गर्भपात करने वाले आए थे, और अभी और रोकोगे तो और आबादी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं कर लिया। पता नहीं वो क्या हिकमत लगा के आपको क्या, तुमको ही उसके ठेकेदार। अरे जो ठेका दिया गया उसको तो किया नहीं, और उस रास्ते को बिगाड़ने लगे कि हम तुमको दुनिया में नहीं रहने देंगे, और तू कहा हम तुमको निकाल देंगे। ऐसा ठेका लेने लगे, जो काम दिया था जितनी प्रतिज्ञा वो तो किया, इसलिए अब उस काम को नसबंदी गिरफ्तार को नहीं करता। इसको ध्यान में जो किया है, एक बार देवियों जब महीने में मासिक तो आप लोग 5 दिन तक कभी स्नान न करो, हाथ पैर धो और कपड़े 10 बार धो, लेकिन स्नान मत करना, शरीर पर पानी मत डालो। जब तुम पानी डालोगी तो खून खराब हो जाएगा, रखे खून में गंगा भी स्पर्श जाएगा। अब कुछ नहीं है, नर खुल गया और बस आप बैठ गए 5 दिन तक रोज नहाते, वो सब बीमारी वही रुक कर गया और फैल गई। अब वो निकाले नहीं निकलती है। आप घर में बच्चियों को सबको बता, जिसका जो और आप इनको छुओ मत, दूर रहो, खाना पीना भोजन इत्यादि नहीं छुना चाहिए, इससे भी बहुत भयंकर बीमारियां आ जाती हैं, तो अलग रहो। और जब नहा लो उसके बाद में सबको, तो ये महात्मा बताया करते थे, ये महात्मा का काम नहीं था, ये तो पंडित जो आपके घर में वो बताया करते थे, और पंडितों ने बता रखा था माताओं को, वो माताएं घर में बताती थी, तो आपने सबको ऐसी नई सभ्यता और ऐसा नया चरण आया, मतलब विचारों का कि ये सब खत्म कर दिया और रोगी हो गए। अब ये बातें कोई बता नहीं पड़ती, जो आपको हम बता रहे, ये तो आपकी बात थी, इसको पहले ही बता गया, लेकिन सब रोगी, इसलिए ये तो करो मत, जो किया तो कर लिया, वो तो आपको दंड मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं आ गए तो क्षमा भी हो सकता है, जब आप प्रार्थित हो तो क्षमा भी कर सकता है, लेकिन माँ को क्षमा करेंगे और कोई उसको तो क्षमा करना ही है। काल रूप में केंद्र भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फलदाता, मैं काल रूप हूं और सबको शुभ और अशुभ कर्म का मैं सजा, मैं किसी भी कर्म को माफ,
बात हो ये, तो वो तो बड़ी ऐसी है अखंड, वो तो इधर उधर हो नहीं सकती। अब महात्माओं के पास जाओ, उनके पास ये क्षमा, वो क्षमा निकल रहा है जिसने विधान रखा, जो इसका इंसाफ करता वो क्षमा निकल, उसके आगे आने जाने वाले वो क्षमा। तो वहां आप पूछनी पाओगे तो क्या ये सब चीजें आपकी जरूरत की थी उसको समझ लेना चाहिए, पर पहले आपने नहीं समझा और आप एक तो ये हो गया आपका, एक तो चीजों में फंसे, तमाम चीजों में फंसे, या छोटे बड़े बहने सबको सब पसंद। और ये अमूलक चीज जो और जीवात्मा को कोई शिष्य बना नहीं सकता, ये उसका इसमें रूप है। तो अपने आप को शिष्य संबंध, क्योंकि मालिक के रूप को मालिक की चेतनता को कोई मतलब शिष्य नहीं बना सकता। वो जो शिष्य बनने की बात है वो होगा, जब तक अपने को बोध नहीं होता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको दूर करने के लिए तो आप शिष्य। लेकिन जब ये आत्मा जा गई तो नए गुरु और नए चेला, सब में बोले एक अकेला, वहां न गुरु है न चेला। ये विकार है, तभी तक अपने को समझते हो मैं शिष्य हूं और आप अपने को समझते हो गुरु, और विकार दूर हो गए वो तो समझते ही नहीं आपको, वो तो अपने आप को समझता है। तो मालिक के रूप को शिष्य होता है, न गुरु बना सकता, वो तो मददगार है, सेवादार है, और वहां तक पहुंचा देगा तो खुद पूछेगा कौन लाया, तो वो खुद चिल्लाएगा कि बजारी उन गुरु की जो गोविंद जी होता। ये सब श्रेय और सब कुछ है ये उनका है जिन्होंने आप कृपा, तो मैं तो मृतलोक में उनको सबसे बड़ा वो कहता, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो कहते हैं हम तो इस सेवक तो मालिक के उस रूप को शिष्य नहीं बना सकता। ये बड़ा गहन विषय है, और अगर शिष्य बना लिया और गुरु बन गया तो सीधा नरक हो सड़ा को, अंधा गुरु और बहरा चेला वो हो नरक में ठेला ठेला। तो आप ये विद्या आपको बिल्कुल पत्र लिया उस तरफ ध्यान रखें, तो आप इसको प्राप्त करो, जो सरलता से आसानी से मिले उसको ले दो। अरे घर में गंगा भाई आपके गांव के किनारे, तो सबको उस ब्रह्म गंगा में अपनी आत्मा को अपना करना चाहिए, और नहीं करते हो तो फिर वो समय निकल जाएगा, वो तो मतलब है बहती हुई निकल गई और फिर सूख गई। तो आप क्या समझते, ये भागीरथी देव वही ब्रह्म गंगा जाए, ब्रह्म लोक से उसकी धारा आसमानी आवाज उन लोगों में बड़े बड़े दरिया रहते, कितने बड़े बड़े दरिया है जिनकी पैमाई कोई नहीं कर सकता, और उन्हें निर्मल स्वच्छ बालू का मिट्टी का कोई नाम निशान है, और नीचे देखो तो कितने लाख नीचे दिखाई देता है उस पानी में। अब पानी कहें कि क्या तो मालिक की लीला, ऐसे ऐसे दरिया जब ये रूहे जाती है जीवात्माएं ना उसके किनारे तो स्नान करती, एक दो ही दो नहीं नदियों के किनारे स्नान करती है, मालूम होता है कि सारी आत्माएं तो यही नहा रही होंगी। अब वो तो ऐसा वो तो अमृत है, ये पानी नहीं रही है न यहां कोई मिट्टी, न ऐसी मिट्टी जहां वो बह रही, ऐसे ऐसे विशाल बड़ी बड़ी नदियां बड़े बड़े मतलब नाले समुद्र बड़े बड़े, ये सारा विश्व है। वो मतलब ये कि मालूम होता है कि कितना सा टुकड़ा, ऐसे ऐसे उन लोगों में जब वो सोते देखती हैं तो वहां का इतना नया है तो यहां भी क्या कीमत,
ऐसे आपके लिए उसने आराम आनंद उन लोगों में रचना ये सब मतलब ये कर रखी है सब कुछ आपके लिए। आप यहां गलीज में पड़े हुए हो तो ये तुलसीदास जी ने जो लिखा है वहां त्रिवेणी में हम यहां त्रिवेणी नहीं है तो त्रिवेणी की नदी बड़ी ये त्रिवेणी वहां क्या है ये तो बालू मिट्टी की त्रिवेणी है वहां तो मिट्टी नाम नहीं था वहां स्नान प्रकृत पार प्रभु बाकी ब्रह्म निर्य ब्रज अवनाशी ताम होकर कारण कहते हैं सबका सज्जन हाल तो पड़े लेकिन रास्ता है नाम को आवाज को पकड़ो तो पकड़ के चढ़ चलोगे उसने पौड़ी बना रखी है सीढ़ी तो चढ़ चलो सीढ़ी पर महापुरुष धीरे से चला अपने आप तो चल के जाने पाओ मुसलमान सिख ईसाई कोई भी विवाद सामाजिक हो या जातियों का हो या ना मोहब्बत प्यार से सब कुछ हल किया जाए मोहब्बत प्यार में इतनी शक्ति और ताकत है कि किसी के भी दिल दिमाग को जीत लिए मोहब्बत प्यार में मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ हिंदू की लड़की को और मां बाप समाज के लोग कुछ मोहब्बत प्यार में मकान ले लो जमीन ले मोहब्बत ही प्यार में सम्मान में ही लोग दान दे ये सब और मोहब्बत और प्यारी में लोग सब घर बार छोड़ दी तो मोहब्बत और प्यार बहुत बड़ी चीज और वो हम सब लोगों में आप मंदिर ले जाओ घर ले जाओ ये ले जाओ और मोहब्बत प्यार नहीं है मान सम्मान नहीं तो मतलब ये है कि कोई चीज एक नहीं है तो वह झगड़ा हो जाएगा वो कतलेगा तो अपने लोगों को इस धर्म निरपेक्ष और प्रजातंत्र में कतले आम से ये राजनेता अपने अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली की और प्रांतों की गद्दी के लिए हिंदू मुसलमानों का सबको ईसाइयों का कतले आम का जब देखेंगे तो एक दूसरे मुल्क को कतले आम का अपने लाभ के लिए करोड़ों मर जाए अभी बस कहेंगे कि हमको बड़ा अफसोस है करोड़ों चले जाए अभी एक ही झटके कहेंगे हमको बड़ा अफसोस है दो करोड़ मर जाए अपने स्वागत आप लोग इनसे बचो घर में रोटी बनाते हो और रोटी को न पलटी जाए उस गर्म तवे पर रोटी बना के डाल दिया जाए न पलटा जाए तो क्या हो जाए क्या हो जाए जोर से बोलो तो ये तो आप समझते हो कि जल जाएगी और कुत्ते को बुलाओ चुटकारो और रोटी डाल दो तो सूख करके चलो लड़के को अगर दे दोगे तो ऐसा जनी रोड रोटी किसके काम आई रोटी भी गई लड़ी भी गई और मेहनत भी आपने सब बना क्योंकि विचार ही केवल इतना ही तो आपको करना था कि तवे में डाल के पलट दे तो आटा भी चला गया मेहनत भी चली गई और रोटी किसी का काम भी नहीं तो फिर पलट दो और तुरंत फिर पलट और फिर पलट के उठा के चिमटे से जरा सा आग पर गर्म उसकी गर्मी से पक जाएगी और उसमें मिठा पाएंगे और सब लोग उसको खाएंगे मौका दारू और शराब का नशा ऐसा नशा देश में है जितनी भी छोटी और बड़ी से बड़ी बुराइयां ये सब दारू के नशे से आए अगर एक नशे का देश में त्याग तो 90% बुराइयों का नशे चल और करके देख लीजिए आप बाकी जो 10% रह जाए वो तो अपने चरित्र ठीक कर लो तो आप जो कमजोरी जाहिर करते हुए जा
इससे आमदनी होती है, सुपराइट से आमदनी करके और फिर इनकी बढ़ाई का सबक। ये तो जब आप चोरी और डकैती का धन इन पर खर्च करोगे तो इनका भी असली करा जाए, वो भी हाथ से निकल जाए। तो ऐसा बस बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका। जय गुरुदेव, नाम किसका।